हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। तो यहाँ पे मैं क्यान को जूते पहना रही हूँ और ये संडे का दिन है और दिवाली का वक्त है। तो मैं अभी हम सब तैयार होके जा रहे हैं TI मॉल, इंदौर में ट्रेजर आइलैंड मॉल। बहुत ही फेमस और बड़ा मॉल है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। और उसके पापा और मायशा जो है वो बाहर रेडी होके बैठे हैं, और यहाँ पे मैं क्यान को रेडी करके फिर हम सब निकलेंगे अभी। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ ट्रेजर आइलैंड मॉल। ओ, ये कौन है? कौन ये पप्पा हैं और ये मायशा। है? पापा या पापा एंड मायशा। मासा? और कौन कौन है? एक पोएम सुनाओ। पोएम बोलो। पोएम सुना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैसे निकाल। पैसे माय शू। तो मॉल के अंदर एंटर होते ही उसके पापा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में चले गए। उनको कैमरे का बहुत शौक है, तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ न्यू आया है, अपडेटेड क्या है, तो वो देख रहे हैं। और यहाँ पे कियान और मायशा जो है वो खड़े होके देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं उनका ध्यान भी रख रही हूँ। तो बस अभी हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसे मॉल के सबसे टॉप फ्लोर में हम चले जाते हैं। जो फूड कोर्ट है वहाँ पे नहीं, बट सेकंड लास्ट फ्लोर में हम चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम देख रहे हैं कि व्यू कैसा लग रहा है। और कुछ अगर चाहिए, वैसे तो शॉपिंग कुछ करना है नहीं, लेकिन बस बच्चों को घुमाने लाना था। और कुछ अगर ज़रूरत या कुछ अच्छा लग जाए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं से पापा को बोल रही हूँ कि चलो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कियान को मैंने नीचे छोड़ दिया, तो कैसे भाग रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। तो अभी कुछ टाइम के बाद आप देखना कि वो एक शॉप में जाके कोई चीज़ को देख रहा है, तो मैं जाके उसको उठाऊंगी, तो फिर वो रोने लग जाएगा, जोर जोर से रोने लग जाएगा, फिर मैंने उसको गोद में उठा लूंगी। तो ऐसे ही बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं, तो बाहर आके थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो गए। तो कियान को देख के मुझे इतना मजा आ रहा है, कियान और मायशा दोनों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कियान मायशा को कैसा लग रहा है। कम।
कहा कि सबसे टॉप फ्लोर में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मॉल है, तो हम क्या करते हैं फिर वहाँ से घूम घूम के फिर एक एक फ्लोर करके नीचे आते हैं। तो हम पहले ऊपर पूरा घूम लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा ब्रांड है, क्या है, फिर उसके बाद एक फ्लोर वापस नीचे आते हैं और फिर देख लेते हैं कि क्या है, फिर वापस नीचे ऐसे कर करके फिर हम मतलब ऐसे घूमना भी हो जाता है आराम से, और बच्चे भी थोड़ा घूम लेते हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। नीचे आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और क्यान सो गया, तो मैंने उसको उसके पापा के पास दे दिया है। और ये नीचे से आप देखिए कि कितना बड़ा मॉल है और कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से दिवाली का वक्त है, तो नीचे से थोड़ा सा मैं व्यू आप लोग को दिखाती हूँ कि मॉल कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे एक मतलब एक साड़ी जो है वो इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने मायशा को बोला कि गुड़िया आप खड़े हो जाओ वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं बिग बाज़ार, और ये मॉल के जो है अंडरग्राउंड मतलब एक फ्लोर नीचे बिग बाज़ार है, तो हम अभी बिग बाज़ार जा रहे हैं और देखते वहाँ पे कुछ अगर मुझे लेना हो तो मैं ले लूँगी। तुमने वो किया था वो नहीं हो पाया, चलो वी विल गो टू बिग बाज़ार। तो हम बिग बाज़ार से बाहर आ गए हैं और वही अपना क्या हम क्या हाउस वाइफ या होम मेकर्स क्या लेते हैं, घर का ही सामान, तो मैंने घर का ही सामान ले लिया है और निकल गई हूँ। तो क्यान जो है मतलब वो नीचे घूम रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, और वही हाथ मतलब पैर गंदे कर रहा है, अपने कपड़े गंदे कर रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और बस अभी यहाँ से हम बाहर जाएंगे, तो बाहर जाके मैं और बच्चे वेट करेंगे, और इसके पापा जो है वो दो या तीन फ्लोर अंडरग्राउंड मतलब नीचे जाएंगे जहाँ पे पार्किंग है, और फिर वहाँ से वो अपना बाइक लेके आएंगे और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं नीचे जाऊँ फिर देख के आऊँ कितना भी तुम्हें चेकिंग करना पड़ेगा। चलो